Well, in this video, we will study about Article 9.5. This is Article 9.5, refraction at spherical surfaces. At spherical surfaces. And by lenses. So refraction at spherical surfaces and by lenses. Okay, so this is now the area of discussion for us. इस पार्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ assumptions का ध्यान देना पड़ेगा. उसके लिए हम आपके साथ एक image share करते हैं और कुछ assumption जो हमें ध्यान में रखनी होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. सो देखिए, ये कुछ assumptions होंगी जो हमें इसका मैथमेटिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. तो सबसे पहली assumption हमारे पास ये रहेगी, दिस इज़ द कि अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज़ वेरी स्मॉल. तो आपको ये अपर्चर वाले जो पार्ट है इसको हम रिकॉल आपको कराना चाहते हैं. अपर्चर वो हिस्सा होता है एक स्फेरिकल सरफेस का जहाँ जिस पार्ट के ऊपर लाइट पड़ती है. ये देखिए, ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है. इट इज़ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज़ इट्स कंसिडर्ड पार्ट. अब इस हिस्से के ऊपर जितने जितने हिस्से पर ए से लेके बी तक लाइट पड़ेगी इसको हम इसका अपर्चर बोलते हैं. सो दिस अपर्चर शुड बी स्मॉल, ये छोटा होना चाहिए. द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस शुड बी वेरी स्मॉल, राइट. दूसरा हमारे पास जो अजम्पशन रहेगी, द ऑब्जेक्ट इज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो ऑब्जेक्ट होगा इस केस में वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा. ये देखिए, ये मान लो हमारे पास हम एक्सिस कंसिडर करते हैं और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट विल बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट विल लाई ओनली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब जो इस केस में जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरीके से जाएगी एंड इट विल स्ट्राइक एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन द रेयरर एंड डेंसर मीडिया. ओके, सो अगला जो हमारा अजम्पशन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसको हम मार्क कर लें, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, उसकी हाइट नहीं होगी एंड इट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है. और थर्ड केस है कि जो इंसिडेंट रे, फर्स्ट थिंग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा टू द स्फेरिकल सरफेस मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप ये देख लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट रे है, ये एग्जाम्पल देखिए, इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत छोटा एंगल बनाएगी क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है. और उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये देखिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रिफ्रैक्टेड रे ओके, सो इसके लिए हम आपको नॉर्मल खींच के बता देते हैं. दिस इज़ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है और नॉर्मल का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, ये एंगल बहुत छोटे छोटे होंगे. एंगल अल्फा, दिस एंगल इमेज का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, नॉर्मल का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा, दिस एंगल आई, ऑल दीज एंगल्स इन दिस एरिया डायग्राम्स आर वेरी वेरी स्मॉल. सो ये इस कंसिडरेशन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. अब सवाल ये है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सवाल किस तरीके का आएगा, उसको भी हम चर्चा करने के बाद ही इसका मैथमेटिक्स करने के लिए आगे बढ़ेंगे. सवाल आपसे कुछ इस तरीके का पूछा जाता है, इसको भी आप देख लें, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क फ्रॉम यू इन द बोर्ड एग्जाम्स, वो कुछ इस तरीके का होगा. ये देखिए, आपको पूछा जाएगा कि आप प्रूव करिए
माइनस एन वन अपन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर. कब? व्हेन द रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिफ्रैक्शन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, नंबर वन. और जो आपका स्फेरिकल सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगा. अब हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से चलेगा और इसके ऊपर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि किस तरीके से होगा. यहाँ आपके पास जो फार्मूला है इसमें है माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर. ये हमें प्रूव करना है. और ये u क्या है? दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. v क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज. r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम एंड n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. सो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा पार्ट होगा रे डायग्राम हम सेपरेटली बनाएंगे. आपको जस्ट ऐसे समझना है जो ये डिस्टेंस है इसको हम u लेंगे और जो ये डिस्टेंस है इसको हम v लेंगे और जो ये डिस्टेंस है इसको हम r लेंगे, राइट. और n1 जो है दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम एंड n2 जो है दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. सो इसको यदि हम मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख देंगे n2 इज़ ग्रेटर देन n1. सो दिस शोज़ दैट n2 इज़ द डेंसर मीडियम एंड एन वन इज द रेयरर मीडियम. क्लियर? सो ये आपको आइडिया हो गया कि हम इस टेक्स्ट में जो मैथमेटिक्स है किस तरीके का करेंगे. अब हम अपना जो बेसिक हमारा मकसद है ये प्रूव करना, इसकी ओर हम बढ़ते हैं. ओके, इसके लिए आपको हमारे साथ अगले पेज पर चलना होगा. हम अगले पेज पर चलते हैं. सो ओके, सो वी आर नाउ इन द न्यू पेज. और उस पेज में हम सबसे पहले एक डायग्राम ऐड करना चाहते हैं. इस डायग्राम की हेल्प से हम प्रोसीड करेंगे. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसका रफ आइडिया मैंने बना दिया था और एक्यूरेसी के लिए मैंने इसको यहाँ बनाया है. अब हम चलना शुरू करते हैं. आपको बड़े आराम से सब चीज़ें समझ आएंगी. आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ देखते चले जाएं और आपका जो अप्रोच इस आर्टिकल को करने वाला होगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपको इस सारी घटना को मैथमेटिक्स का रूप देना है, बस. बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा. सो नाउ स्टार्ट डूइंग विद मी. सी हेयर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम है कॉन्वेक्स. ये वाला पार्ट है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फिस, ओके, जिसका जो है आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और जो जैसे आपने मिरर के केस में किया दिस इज़ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और इनर पार्ट जो है एक प्लेनर रीजन है. और ये उसका है दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट्स टू दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. नाउ इनिशियली ऑब्जेक्ट दैट इज़ ए पॉइंट साइज. ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो हमारी पहली अजम्पशन है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट साइज होगा. अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से चलती है और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके. यहाँ यहाँ वो टकराती है. अब जब वो यहाँ टकराती है तो हमें चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ना है चाहे रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें नॉर्मल का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये देखिए ये मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए और उसमें ये बताया गया था कि ये देखिए आपके पास एक कोई सर्कुलर पार्ट है और उसके ऊपर आप एक टेंजेंट खींच देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल और इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ मिला दीजिए. ये थ्योरम आपने टेंथ में पढ़ा है तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा.
ये मैंने आपको 2-3-4 बार आपको पहले बता रखा है। यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको फिर पुराने वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आप यहाँ देखिए कि हमें सबसे पहले नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ टेंजेंट खींच के उसको जब हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर के साथ मिला देते हैं, कर्व के सेंटर के साथ मिला देते हैं, तो ये जो लाइन है वो अपने आप एक नॉर्मल हो जाएगी। सो दिस इज द नॉर्मल टू अ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल का नॉलेज हो गया। अब जब रे ऑफ लाइट इसके साथ टकराएगी तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और अब ये रे ऑफ लाइट है, यदि यहाँ डेंसर मीडियम ना होता तो रे ऑफ लाइट कैसे चली जाती? इसके लिए हम एक अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हमें डॉटर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना था, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, राइट? बट बिकॉज ऑफ द डेंसर मीडियम ओवर देयर, सो दिस रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम द, यहाँ देखिए, देन रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ये आपको मैंने ट्रिक बताया था, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। सो नॉर्मल की ओर मुड़ने के बाद ये रास्ता फॉलो करेगी, ओके? और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ टकराएगी, राइट? इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से बेंड होके अपना पाथ चेंज करके नॉर्मल की ओर मुड़ के इट विल टच द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई। सो आई विल मार्क नाउ फ्यू एंगल्स ओवर देयर। सो दिस इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज द एंगल मेड बाय द इमेज, दैट इज बीटा, एंड दिस इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस एंगल इज गामा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल, इसको मैं यहाँ कोई पॉइंट पी मार्क कर देता हूँ, और ये एंगल ये यहाँ नॉर्मल होगा, इट्स नॉर्मल नॉर्मल एट पॉइंट पी, ओके? एन पी इज द नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ओके? अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस कंसेप्ट को मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट को इस्तेमाल करूँगा उसको आपने ये समझ जाना है कि वो क्या होगा। एक मैं एक एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल करूँगा। देखिए, आपके पास यदि एक ट्राइंगल होती है, इफ़ यू हैव एनी ट्राइंगल, सो ये ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? ये देखिए, आपके पास यदि एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होगा? यदि मान लो ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर 2, और ये है एंगल नंबर 3, और ये एंगल नंबर 4 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। सो एंगल नंबर 4 जो है वो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फार इंटरनल एंगल्स, जो दूर के उसके पड़ोस के कोण को छोड़ के ये जो दो दूर के कोण, इन दोनों का सम होता है एंगल नंबर 4, राइट? सो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम एक इस अजम्पशन का इस्तेमाल करेंगे कि यदि मैं स्मॉल एंगल्स, जो ऑब्जेक्ट इमेज और जो नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एंगल्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। इसका मतलब क्या होगा? यदि मान लो मैं टेन अल्फा कैलकुलेट करता हूँ तो स्मॉल एंगल्स की वजह से वो अल्फा के बराबर होगा। टेन बीटा यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग बीटा के बराबर ही होगा, और टेन गामा हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली गामा के बराबर होगा। यदि हम साइन आई कैलकुलेट करेंगे तो नियरली वो आई के बराबर होगा, और यदि हम साइन आर कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग आर के ही बराबर होगा। ये मैथमेटिक्स होगा हमारे अजम्पशन का यदि हम स्मॉल एंगल्स को कंसिडर करते हैं। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। अब आप इस आर्टिकल को समझने के लिए पूरे हद तक तैयार हैं, राइट? अब हम शुरू करते हैं। अब आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। देखिए, हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 3 राइट एंगल ट्राइंगल में। पहले ट्राइंगल जिसमें एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल
जिसमें हम इमेज का बीटा जो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करेंगे, और तीसरी स्टेज के ऊपर हम ये नॉर्मल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बनेगा उसको हम चूज करेंगे। सो यूजिंग, अब एंजॉय करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एन पी, इसमें हमारे पास जो एंगल होगा एन ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, एंड देन देन वी विल कैलकुलेट टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एन पी, दिस इज एन पी अपॉन ओ पी, एन पी अपॉन ओ पी, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कॉमा। अब आप निकालिए टेन बीटा, इससे पहले हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ओ पी और ओ एम जो है एक दूसरे के क्लोज है, एज यहाँ लिख देते हैं ओ एम इज नियरली इक्वल टू ओ पी। हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम ओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ इसी तरीके से हम टेन बीटा निकालते हैं इन ट्रायंगल एन पी आई एंगल एन आई पी इज इक्वल टू बीटा। एंड एक हम एक और अजम्पशन यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे कि पी आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम आई, राइट? सो अब यहाँ बनाइए जरा आप, टेन बीटा इज इक्वल टू एन पी अपॉन पी आई, विच इज फर्दर इक्वल टू एन पी अपॉन एम आई। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब आप आगे चलिए, एक और ट्रायंगल हम लेते हैं। दिस ट्रायंगल इज सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब आपके पास ट्रायंगल होगी पी एंड सी, पी एंड सी वी हैव एंगल एन सी पी इज इक्वल टू गामा। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं टेन गामा इज इक्वल टू, टेन गामा इज इक्वल टू एन पी अपॉन पी सी, विच इज फर्दर इक्वल टू एन पी अपॉन एम सी। आप ऐसा लिख सकते हैं एम सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी सी बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, राइट? सो बाई यूजिंग द अजम्पशन एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, देन दिस एंगल इज इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू एल्फा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम ओ। वन थिंग, एंगल यदि छोटे छोटे हैं तो आप हमारी वो अजम्पशन काम आ जाएगी, और दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ आप देखिए इट इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर सेम रहने देंगे, बीटा इज इक्वल टू
एन पी अपॉन एम आई, टैन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा ओनली, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. एंड इन दिस केस यहां आप लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम सी, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. ओके, सो ये चीज़ें आसान है बिल्कुल, आपको ये समझ आ गई होंगी. मैं इसको फिर इक्वेशन नंबर टू मार्क कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मार्क कर देता हूँ. अब हम आगे चलते हैं फर्दर. अब देखिए, इन ट्रायंगल एन एन ओ सी, इन ट्राइंगल एन ओ सी में आप जरा गौर से देखें, एंगल आई जो है वो एक एक्सटर्नल एंगल है. एंगल आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा. यहाँ मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जो आई है वो एक्सटर्नल एंगल है, आई इज द एक्सटर्नल एंगल. और ये जो ये इस ट्राइंगल को देख लीजिए आप, एन ओ सी, इस ट्राइंगल को इसको आप ऐसे देख लीजिए कि ये कुछ इस तरीके का है. इस ट्राइंगल का आप यहाँ खोल के देख लेते हैं, ध्यान से देखिए आप, ये ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके से, राइट? ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, और ये एंगल है आपके पास अल्फा, और ये ट्राइंगल, ये एंगल है आपके पास गामा, और ये एंगल है आई. अब ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो अकेला इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. ये देख लीजिए आप, राइट? और इसी तरीके से आप एक और ट्राइंगल चूज करिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव. इन अनदर ट्राइंगल आप देख लीजिए, इन ट्राइंगल एन आई सी, इन ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी वी हैव, एन आई सी ट्राइंगल को आप देखिए सबसे पहले, दिस ट्राइंगल इज नियरली लाइक दिस. So at this point, this angle is R, this angle is beta, and this angle is gamma. So now here external angle is gamma and internal angles are R plus beta. So you can write it now, gamma is equal to R plus beta. Therefore, R is equal to gamma minus beta. Ye jo result hai, अब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए. ओके, अब हम इसके आगे आपको अगले पेज पर चलना पड़ेगा. सो गामा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. अब हम अगले पेज पर चलते हैं. So, अब हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं. एक तो हमारे पास आया है आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा एंड R is equal to gamma minus beta.
गामा माइनस बीटा इस आई इज इक्वल टू दिस अल्फा प्लस गामा एंड आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा. सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. नाउ आई इज इक्वल टू अब हम यहां ऐसे चलते हैं विल जस्ट कम टू द पॉइंट एन. एट पॉइंट एन फॉर अ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एन एन using Snell's law we have हम Snell's law का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा ray of light is going from a rarer to denser medium. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं एयर से ग्लास की ओर जा रही है और क्या हम लिख सकते हैं वन एंड टू ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको हम लिख देंगे दिस इज एन टू अपॉन एन वन दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अब यदि फॉर स्मॉल एंगल्स इट इज इक्वल टू साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर. यहाँ लिख देते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स ओके. सो वी हैव एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर राइट. सो दिस इज अनदर इक्वेशन. Like to see the number of this equation is six seven. This is equation number 7. Now we will proceed ahead. अब हमारे पास आ जाएगा n1 i क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. ये आ जाएगा आपके पास n1 टाइम i इज इक्वल टू n2 टाइम r. अब आप इक्वेशन नंबर i के वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. n1 टाइम i का वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा एंड n2 टाइम r का वैल्यू आ जाएगा गामा माइनस बीटा ओके. सो अल्फा का जो वैल्यू है दिस अल्फा इज इक्वल टू भर दीजिए इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 8 दिस एन वन इंटू अल्फा की जगह आप भर सकते हैं. अब पिछले पेज की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम ओ प्लस गामा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन टू टाइम गामा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम सी माइनस बीटा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम आई. आप एन वन को अंदर ले जाइए एन पी को बाहर निकाल लीजिए. एन पी
इज एन वन अपॉन एम ओ प्लस एन वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन पी बाहर आ जाएगा एन टू अपॉन एम सी माइनस एन टू अपॉन एम आई. सो एन पी के साथ एन पी कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद C, this is here, MO is minus U, using sign convention, MO is equal to minus U, MC is equal to plus R, एम आई इज इक्वल टू वी. सो पुट इट हियर. साइन कन्वेंशन आप जानते हैं कि जो अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट जो है मापा जाएगा वो नेगेटिव आएगा, जो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मापा जाएगा वो पॉजिटिव आएगा. सो हम लिख सकते हैं एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन अपॉन एम सी इज आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी. राइट. सो अब डिनोमिनेटर आप जानते हो कि नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता, इसको हम लिख लेंगे माइनस एन वन अपॉन यू. इस वाले पार्ट को आप इस इधर ले आइए प्लस एन टू अपॉन वी और आप एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. दिस इज माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी is equal to n2 minus n1 upon r. This is the beautiful mathematics of this physical process. This is all about this mathematical formula which was desired from us to prove after doing this text. Thank you very much. Application part of this text. Through example number 9.6 of NCERT. So well, I will add the image for this purpose. This is the question for us to understand the application part of the text we have studied so far. So the known parameters are the light from the point source. So this is first, this was the assumption, is a source of light is a point source. So object जो वो point source है in air this we take the refractive index that will be nearly equal to 1, falls on a spherical glass surface, right? So it's having the refractive index 1.5 and the radius of curvature is just 20 centimeters. So the distance of the light from the source light source from the glass is 100 centimeters. So we can say that u is 100 centimeters. Right, so this part is u, okay, this part is n2, and this part is n1, is a point source, but is a position of the image formed. So v jo hai wo aapko determine karna hai. So hum iske liye aapko ek aur image add karke isko samjhane ki koshish karte hain ki kaun si cheez kaise di hui hai. So ye humne kiya tha, textual part hai hamara. इस डायग्राम में अब यहाँ से ही एप्लीकेशन पार्ट है कि यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और इसमें आपको ये वाला पार्ट जो वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. दिस पार्ट इज़ 100 सेंटीमीटर. इमेज कहाँ बनेगा ये वाला पार्ट आपसे पूछा हुआ है और जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है दिस पार्ट इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर टू यू. राइट. एंड ये आपसे पूछा हुआ है. एन टू जो है दिस इज़ गिवन टू यू, that is 1.5. air ke liye the refractive index is just 1. So now
वी विल यूज़ अ रिलेशन बट वी हैव ड्राइव सो फार. इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन था वो था यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन. रिलेशन वॉज माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर. सो दिस इज द इक्वेशन. आई थिंक एवरी पैरामीटर इज नाउ गिवन ओवर हियर. नाउ यू एज अ क्वेश्चन टू यू इज कंसर्न दैट इज गिवन टू 100 सेंटीमीटर. अब आप इसका जो एम यू विल डिटर्मिन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एन अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट. सो यू विल जस्ट टेक इट एज नेगेटिव. सो यू इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर. देन वी वी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो एज वी हैव टू डिटर्मिन इट्स इट विल बी पॉजिटिव नेचुरली. एंड दिस आर इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर क्योंकि आप इसको डिटर्मिन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. एंड हियर एन वन फॉर एयर इज इक्वल टू 1 एंड एन टू फॉर द ग्लास इज इक्वल टू 1.5. आई थिंक रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सो सिंपल टू डू. सो आई विल नाउ यूज इट माइनस 1 अपॉन माइनस 100 प्लस एन टू इज 1.5. बी यू हैव टू डिटर्मिन इट एंड देन एन टू इज 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20. सो यू आर लेफ्ट विद 1/100 फ्रॉम दिस पार्ट एंड यू कैन राइट 15/10 वी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20, राइट. सो ये आपके लिए जो अननोन है वो इस पार्ट में है तो आप पहले लिख लीजिए 15. ओके यू कैन रिड्यूस इट लाइक दिस 1/100 प्लस 3/2V इज इक्वल टू 5/200, राइट. सो 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 वी हैव नाउ 3/2V इज इक्वल टू 5/200 minus 1/100. So this is 3/2V is equal to 200, 5 minus 2. So this is 3/2V is equal to 3/200. So this is 6V is equal to 600, V is equal to plus 100 centimeter. So this will be the position of the image. This is the application part of this text. Thank you very much.